देखिए स्टूडेंट्स, पहले टॉपिक में या पहले लेक्चर में आपने पढ़ा था ड्रेनेज क्या होता है, नेसेसरी ऑफ ड्रेनेज क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्रेनेज क्या है, या फिर क्या क्या ड्रेनेज से हमें हानियां होती हैं। इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि ड्रेनेज की प्रणालियां क्या है, किस तरीके से ड्रेनेज किया जाता है। ठीक है, तो मुख्यतः हमेशा देखेंगे सिस्टम ऑफ ड्रेनेज, जल निकास की प्रणाली, तीन प्रणालियां होती हैं। ठीक है, पहला क्या आपका नेचुरल, जिसको प्राकृतिक बोला जाता है, दूसरा है हेरिंग बोन, जिसको हिंदी में भी हेरिंग बोन ही बोला जाता है, और तीसरा है गिरिडीह, जिसको हिंदी में भी गिरिडीह बोला जाता है। तीन डायग्राम आपको बनाए गए हैं। ठीक है, अब आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा कौन सी प्रणाली किसके अंतर्गत आती है, ये आपको बिल्कुल समझाया जाएगा। देखिए स्टूडेंट, यहां से क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है, बात यह आती है कि आप सब पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ये आता है कि क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि किस प्रणाली में टेम्पररी नालियां बनाई जाती हैं। ठीक है, टेम्पररी नालियां बनाई जाती है मतलब अस्थिर नालियां बनाई जाती है। तो हमेशा याद रखेंगे किसमें अस्थिर नालियां बनाई जाती है, नेचुरल। ठीक है, इसमें क्या है, नालियों को धरातल के अनुसार, अब नेचुरल को हम समझेंगे, ठीक है, सहायक नालियों को समझेंगे कि नालियों को धरातल के अनुसार मतलब धरातल जिस ओर झुकी हुई होगी उस ओर हम क्या करते हैं, सहायक नालियों को बना देते हैं, और ये करते हैं कि पूरे खेत का जो पानी है वो एक किनारे पर आ जाए। ठीक है, आप यहां ध्यान से देखिए, नेचुरल प्रणाली है, यहां पे ये सहायक लिखा गया है, ये जो नालियां आपको दिख रही है ना ग्रीन कलर में, ये क्या है, आपकी सहायक नालियां हैं, और ये जो आपको मुख्य मेन चैम्बर दिख रहा है, जो एक मेन पाइप टाइप दिख रहा है, ये क्या कहलाता है, मुख्य नाली, मतलब धरातल के अनुसार, धरातल की ढलान के अनुसार ऐसी नालियों को जो कि अस्थिर हो या टेम्पररी हो, जिनको कुछ समय के लिए बनाया गया हो, और मुख्य नाली की सहायता से शेष जल को, जो पूरी जल इकट्ठा हुई है उसको बाहर निकाल देना, किसके अंदर आएगा, आपका नेचुरल के अंदर। ठीक है, अब इसको ऐसे समझेंगे, जब आप देखेंगे अपने घर के आसपास, ठीक है, घर के आसपास आप देखेंगे ढलान जिधर होता है हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, तो वहां पानी आता है, फिर पानी बहता हुआ दूसरा, या सबसे बेस्ट एग्जांपल, बचपन में हम खेलते थे स्टूडेंट्स कि हम घर में क्या करते हैं, जो टाइल्स रहता है ना आपका फर्श में, वहां कुछ पानी डाल देते थे और उसको उंगली से खींचते हुए, ऐसा करते थे मजाक कि उंगली से खींचते हुए हम उसको दूसरी तरफ ले जाते थे ऐसे खींचते हुए। यही आपका क्या है नेचुरल सिस्टम कि जहां पानी है, जिधर दिख रहा है आपको ढलान है, वहां पे आप एक और नाली बना दो, छोटी नाली, फिर उस नालियों को, सारी छोटी नालियों को एक जगह इकट्ठा कर दो, और वो जो एक जगह इकट्ठा हुई होगी वो आपकी क्या होगी, मुख्य नाली, और खेत को जो पानी है उसको खेत से बाहर कर देना। ये है नेचुरल, एग्जाम्पल समझ आ गया, बचपन में जो हम खेलते थे। दूसरा है हेरिंग बोन, दूसरा क्या आपका हेरिंग बोन, ये डायग्राम है, यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे जो सहायक नालियां हैं वो खेत के दोनों किनारों पर है, सहायक नालियां हैं वो खेत के दोनों किनारों पर है। यहाँ पे डायग्राम, एक और डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा तीनों का। ठीक है, यहाँ पे होंगे, पहला आपका नेचुरल होगा, दूसरा आपका क्या होगा हेरिंग बोन, और तीसरा गिरिडीह। यहाँ पे आपको 3D डायग्राम दिखाया जाएगा, यहाँ पे हैंड रिटन डायग्राम है, यहाँ पे आपको समझ आएगा देखिए कि खेत के दो किनारे हैं। ठीक है, और जो मेन पाइपलाइन है, जो मुख्य नाली है, वो खेत के बीचों बीच से जा रही है। तो इससे आप क्या समझ सकते हैं कि जो आपका खेत है वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, इधर से ऊंचाई है, इधर से ऊंचाई है, और जो बीच में आपका है वो ढलान है इस प्रकार का। ये अगर आपको देखना है ना स्टूडेंट, सबसे बेस्ट मैं आपको बताता हूं, जो आपके कट ड्रेन्स रहते हैं, देखेंगे आप जो सिंचाई की नालियां जाती है, राज्य सरकार के द्वारा भेजी जाती है ना सिंचाई की नालियां, वहां आपने देखा है कि ऐसे सीमेंट का बना हुआ होता है, बीच में आपका नहर रहता है, नहरों के बीच में बनाया जाता है, जो वही आपका है क्या है, हेरिंग बोन। ये भी आपको मैं बता दूंगा, एक डायग्राम आपको दिखाया जाएगा जो आपके रोड्स के बीच में जाती हैं, आप रोड में आप जाते रहोगे तो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसके एक किनारों पर क्या रहता है, ऊंचाई अधिक, दूसरे किनारे पर ऊंचाई अधिक, बीच में जो रहता है ढलान, तो दोनों किनारों में सहायक नालियों को बना देते हैं, और दोनों किनारों से पानी जो है वो ढलता हुआ मेन पाइपलाइन में आता है, और मुख्य लाइन से होता हुआ खेत के बाहर निकल जाता है। थर्ड क्या है आपका, थर्ड है आपका गिरिडीह भी हेरिंग बोन जैसा ही है, इसमें भी स्ट्रेट लाइन पर रहती है जो नालियां आपकी पक्की बने रहेंगी, लेकिन अंतर क्या है, यहां पे दोनों किनारों पर क्या था, ऊंचा था, मतलब दोनों किनारे ऊंचे और खेत का बीच का हिस्सा ढलान था, यहां पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, यहां पे कैसा हो जाएगा, एक किनारा ऊंचे पे होगा और दूसरा किनारा कहां होगा, ढलान पे होगा, एक किनारा ऊंचाई पर होगा, दूसरा किनारा जो होगा ढलान होगा, मतलब दूसरे किनारे के ऊपर पूरा ढलान होगा, इसको ऐसे समझिए ये। ठीक है, ये हो गया, ऐसे करके यहां से पानी बहता हुआ कहां आ जाएगा, मेन पाइपलाइन में, तो ऊपर में हम पूरे क्या करते हैं, सहायक नालियों को बना देते हैं, ऊपर में पूरे सहायक नालियों को बना देते हैं, पानी गिरता हुआ कहां जाता है, मेन पाइपलाइन में, फिर मेन पाइपलाइन से हम बाहर निकाल देते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि ऊंचा स्थान हमेशा इधर हो, इधर भी हो सकता है, अगर इधर हुआ तो इस डायग्राम को पलट दो कि अब पानियां ऐसे हो जाएंगी और यहां से बाहर निकल जाएंगे,
ठीक है, इतना समझ आ गया। यही है आपका सिस्टम ऑफ ड्रेनेज। यहां से जो क्वेश्चन है मैं फिर से बोल रहा हूं, पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आपकी टेम्पररी नालियां किससे बनाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि ड्रेनेज कैसी कौन सी प्रणाली है, जल निकास की ऐसी कौन सी प्रणाली है जिनमें दोनों हिस्सों पर या दोनों सिरों पर ढलान कम रहता है और बीच में ढलान ज्यादा रहता है। तो दोनों सिरों पर ढलान कम कहां पर है, यहां पे ये ऊंची धरातल है, ये ऊंची धरातल है, ये बीच वाला हिस्सा कहां है ढलान पे, ये क्वेश्चन आ जाएगा। या तीसरा क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है कि आपकी ड्रेनेज कैसी कौन सी प्रणाली है जिनमें पूरे खेत के पानी को एक किनारों पर ले आया जाता है और दूसरे किनारे से मुख्य नाली से बाहर निकाला जाता है। तो ये आपको डायग्राम दिख रहा है, यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, थैंक यू।